ये मेरी फ्रेंड सरस। सर कितने टाइम बाद में हमें जो ये हेयर स्टाइल करती है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू। और लाइब्रेरी को हम आपको बाद में दिखाते हैं, पहले हम ले चलते हैं आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ। हम जैसे प्यारे 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 मेहनती बहुत सारी सरस। हाँ या ना तो बोल। बिल्कुल हाथों से। हाँ हाँ मान गई। पंजे है ये शेर के पंजे। हाँ 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 लग गया। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका लेकर आई हूँ आज आप सबके लिए एक नया व्लॉग। होप करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी फ़िलहाल ठीक हूँ और आज है संडे तो मुझे संडे के दिन ही छुट्टी मिलती है, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग शूट कर लिया जाए आप लोगों के लिए। एक मिनट रास्ता देख लो, यहाँ से है। हाँ यहाँ से भी है, मैं यहीं से चलती हूँ। और ना मेरे आगे पीछे बाएँ चारों तरफ बंदर ही बंदर है, जिससे मुझे बहुत डर भी लग रहा है अभी। ओह माय गॉड। सो फिलहाल आपने देखा ही होगा कि मुझे इतने सारे बंदर मिले थे, तो मैं हनुमान हनुमान जय हनुमान जय हनुमान करके आई सारे रास्ते, आगे पीछे दाएं बाएं सारे चारों जगह बंदर ही बंदर थे। और फिलहाल के लिए मेरी रूममेट गई है कुछ सामान लेने के लिए, उसको शादी है घर में उसके, तो वो सामान लेने चलेगी। मैंने सोचा मैं रूम में अकेले क्या करूँगी, तो मैंने प्लान बना लिया कि मैं चलती हूँ हॉस्टल आज इतने दिनों बाद। इतने दिनों भी नहीं, मतलब हफ्ता 6-7 दिनों बाद मैं हॉस्टल जाऊँगी आज। तो फिलहाल के लिए मैं हॉस्टल जा रही हूँ। थी हॉस्टल फाइनली इतने दिनों बाद जा रही हूँ हॉस्टल। थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं, शायद कुछ ज़्यादा ही। श्वेता बस कर और दे अरे यार तू अचानक से आ गया मेरे घर, देखो यहाँ पे श्वेता जी जो सज धज के। आपने लंच कर लिया? हाँ जी कर लिया। क्या बना था आज आपके लिए स्पेशल? अरे मैं बंद कर दूँ, ठीक है मैं बंद कर। अभी जस्ट मेरे को मेरी एक फ्रेंड मिली थी श्वेता, तो वो थोड़ी ऑकवर्ड हो गई कि दीदी ब्लॉग में मतलब कोई बात ही ले लिया। अब तो आ गए आप, अब तो कुछ नहीं है। ये हमारा किचन अंकल जी, कुछ अब तो बोलो भी यार, अब जैसे बहुत बार बोल रहे थे अब चुप हो गए। कैमरा ऑन हो गया तो सब चुप हो गए। आज क्या बनेगा शाम को फिर? कद्दू चपाती और दाल। हाँ यार मेरे को आदत पड़ी है यहाँ पे दो दो तीन तीन सब्जियाँ खाने की ना, तो बस फिर अब कुछ अच्छी बात है। खाती तो मैं हूँ ज्यादा, पर आदत बनी थी ना यहाँ पे, आप लोगों के हाथ का टेस्ट अच्छा लगता था, अब अपने हाथ का बेस्वाद लग रहा है रूम में जाके। रूम ये मेरा बेड जिसको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया वहाँ पे, क्योंकि हमारा रूम जो है अब खुला है बहुत ज़्यादा तीन, और उधर तो था नहीं। ये मेरी साइड बेड वाली बहुत ही ज़्यादा मिस करी हमने। आकांक्षा ने जो रखी ना अपनी ककड़ियाँ, वो ये खा रहा मेरी आप भाग गया। ये मेरी फ्रेंड सरस। सर कितने टाइम बाद में हम पेपर के बाद आज मिल रहे हैं ना, प्रैक्टिकल के बाद? आज कितनी तारीख है? 20 दिनों बाद मिल रहे हैं हम तो शायद। ये बर्फ क्यों लाई? खाने के लिए। शाबाश। खाना नहीं? हॉस्टल में जो पार्टी थी उस टाइम पे मुझे मिला था ये रूम की के लिए छल्ला, इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है प्रियंका रूम नंबर 212। और ये सरस्वती हॉस्टल एक निशानी और ये सरस जिसका नाम सरस्वती, कितनी कॉमन चीज़ है ना ये। पर तेरा नाम सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल नहीं है ना? बस तू सबको कातिल कर देगी अपने डांस से, फिर लोग बोलेंगे वाह कितनी सुंदर लड़की है ये। ये यार अभी मैं कर नहीं सकती ना सरस्वती, मैं भी करती क्या डांस? हाँ डांस करना बड़े बड़े लोगों के लिए छोटी छोटी बात होती है। अरे मेरे ऑपरेशन के करके यार सरस मेरी तारीफ कर रही है। और कुछ सरस तेरे को नहीं जो ये हेयर स्टाइल करती है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू। और तो कुछ नहीं बस सरस कर रही तारीफ मेरी। फिलहाल हम जा रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी, क्योंकि Sometimes I think about you. हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अब रहे नहीं, फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि आज का जो व्लॉग रहेगा मेरा वो यूनिवर्सिटी टूर के ऊपर रहेगा। पहले मैं कुछ और करने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलो यही कराते हैं, तो और ये थोड़ी सी वो हो चुकी है आप समझ लेना इस टाइम पे। तो ये है हमारा समर हिल चौक, आप बस में यहाँ तक आ सकते हो, फिर उसके बाद ही हमारी यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ। तो जागे ये सरस जा रही है, और ये है हमारी यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस। तो
कुछ ज्यादा जी मत करना पक्का ना। ये SBI का ATM यहाँ पे दिखाएगी हमारी यूनिवर्सिटी में इतने ज्यादा वो है ATM वगैरह। तो सरस जा रही है अभी, सरस मैं तुझे मेन उसमें ले रही हूँ। हाँ तू बता। तो अभी हम जा रहे हैं अंबेडकर। सो ये है हमारी अंबेडकर बिल्डिंग, ये पूरी, ये आर्ट्स फैकल्टी भी बोलते हैं इसको। मैक्सिमम बच्चों के जब भी एग्ज़ाम होते तो उनका सेंटर यहीं आता है, मैक्सिमम कई बार यही आता है अंबेडकर बिल्डिंग की। तो ये है अंबेडकर बिल्डिंग। तू आगे क्यों जा रही है सरस? हाँ अंबेडकर, जब हमारा पहला एग्ज़ाम था ना तो उसका सेंटर यही आया था ना। हाँ हमें पता ही नहीं था कि और ये कहाँ है, हम पागलों की तरह भटके हुए थे उसको ढूंढते ढूंढते। अंबेडकर भवन दिखाने के बाद आप लोगों को अभी हम जा रहे हैं आगे यूनिवर्सिटी की तरफ। ऊपर पहले ऊपर वाला शूट कर लेते हैं फिर आपको नीचे वाला दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं वहाँ पे। और सरस ना मेरे को थोड़ा शर्म आ रही है थोड़ी, सरस की वजह से ये शर्म वाले काम कर रही है जिनसे मुझे शर्म आए। तो अभी मैंने किया कैसे भी किया बाद में बताऊँगी। डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी में आप क्या बता रहे हो? अरे जो विजुअल आर्ट्स वाले नहीं, शायद उन्होंने बनाई है ये। हाँ शायद। वाओ यार कितना सही बनाया ना ये। सोचती हूँ कि मैं भी बनाऊँ। हाँ बड़ा अच्छा बनेगा। और ये किसी ने कहा कि सोचना बुरा नहीं है। हाँ ये हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो, प्रदेश विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश शस्त्र शास्त्री च कौशलम। अरे प्रियंका ये क्या है? ये बड़ा सुंदर, ये है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ओके के ओके ओके। इससे आगे भी ये कारीगरी हुई है थोड़ी बहुत, जो कि बहुत सुंदर है देखने में मेरी तरह। हाँ ये भी लिखा है यहाँ पे मैथ वालों का और उसका ही है ये केमिस्ट्री वालों का। केमिस्ट्री को ना हिंदी में रसायन बोलते ना तो कई बार डाउट हो जाता कि रसायन बोलते कि क्या बोलते। ओके लाइब्रेरी तो हम आपको बाद में दिखाते हैं, पहले हम ले चलते हैं आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ। और ये इधर लाइब्रेरी के साथ ही ये रेन शटर है यहाँ पे बैठने के लिए। हमारी डिस्टेंस भी यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के उसी मतलब बाहर ही है शायद, तो इतना मुझे पता नहीं, पर ये इसी में ये जहाँ पे हम फ्री में अपना इलाज करवा सकते हैं डिस्पेंसरी में। तो ये है डिस्पेंसरी, और डिस्पेंसरी के आगे ही शायद ना MBA वालों का है ये। हाँ और ये है MBA वालों का डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, उनकी है ये बिल्डिंग। तो ये तो पूरी मैंने भी देखी यहाँ पे, तो ऐसे इतना ही देखी है थोड़ी बहुत। तो ये वो है, और अभी हम जा रहे हैं किसी और मतलब अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कि है गांधी भवन में। और डिपार्टमेंट का कोई नाम तो होगा ज़रा? पता ही है वैसे तो, पर फिर भी बता देती। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जनसंचार और पत्रकारिता विभाग। अरे वो मास ये है हमारा चीफ वार्डन सर का ऑफिस, यहीं पे हमारा कैफेटेरिया भी है इस बिल्डिंग के नीचे जहाँ खाना खा सकते हैं। और हॉस्टल से रिगार्डिंग जितने भी काम होते हैं ना वो यहीं पे होते हैं। ओके जितने भी रिगार्डिंग उसी के नीचे है हमारा डिपार्टमेंट इसी के साथ ही। ओके ये है गांधी भवन। हाँ गांधी भवन घूम ले लियो। ओके गांधी भवन जितना बड़ा दिख रहा है ना, यहाँ पे बच्चे भी उतने ही होनहार आते हैं, यानी हम जैसे प्यारे 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 मेहनती। हाँ बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई है इस डिपार्टमेंट से, इतना सब कुछ पता नहीं चला। 2 साल कब हो गए? अभी सरस जा रही है, सरस डांस करेगी। सर यार सरस मेरा मन भी कर रहा पर मैं नहीं कर सकती। सरस देखो जिसको भी डांस सीखना है ना वो सरस के पास आ सकता है ना सरस? सरस हाँ या ना तो बोल। बिल्कुल ठीक है। तो ये एंड
मैं कर नहीं सकती डांस, सरस कर रही है बहुत अच्छा अच्छा। ये बंद है, खुला नहीं होता, संडे है ना। हाँ तो इसी के साथ ही नीचे वो था हम जहाँ पे हम बैठा करते थे ये वो जगह है, दिख रहा है थोड़ा सा, दिखा रुक जरा, दिख रहा है थोड़ा सा बेटी पा, हाँ दिख रहा है, देख लो ये है हमारा डिपार्टमेंट। ये नीचे वाला फ्लोर पूरा हमारे डिपार्टमेंट का ही था। इसी सूरज की रोशनी ने हमारी जिंदगी की रोशनी खत्म कर दी। खत्म नहीं भाई, बढ़ाई है, कर दी उज्जवल। खत्म, ये गलत बोल रहे थे, इसको इग्नोर करें। इन्हीं हाथों से मैंने ये पेड़ पौधे लगाए थे, पेड़ तो नहीं पौधे हो गए, बट कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये, इन्हीं हाथों से। हाँ हाँ मान गई, पंजे है ये, शेर के पंजे। हाँ 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 लग गया मुझे पता, शेर के पंजे हैं कि शेरनी के पंजे हैं। ये है लॉ डिपार्टमेंट, यहाँ पे शायद ना सोशियोलॉजी वालों का भी शायद यही है ना। हाँ तो लॉ वालों का और सोशियोलॉजी वालों का ये है। हाँ लॉ डिसिप्लिन एंड एक्सीलेंस। इस साइड है, ये है फिजिक्स वालों का डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडीज़, इस तरफ है ये। और इसी के साथ ही नीचे साइंस हॉल भी है, हाँ हाँ इसी में ही है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है ये, फिजिक्स उधर, योगा स्टडीज़। और ये इधर हमारी लाइब्रेरी, ये है हमारी लाइब्रेरी, ये है हमारी लाइब्रेरी जो संडे वाले दिन भी खुली रहती है और 5 बजे जो है बंद हो जाती है। और ये नीचे वाला, ये जो वाला जो खुला ही रहता है संडे वाले दिन भी, बाकी जो मेन जो है वो बंद ही है। और ये यहाँ के साथ ही लगते हुए यहाँ पे बहुत अच्छा वो है बैठने के लिए, बहुत अच्छा है ये यहाँ पे बैठने के लिए ये। और ये तो रात को बहुत सुंदर लगता है, अगर मेरे को किसी से वीडियो मिली ना रात वाली तो मैं ज़रूर लगाऊंगी उसको व्लॉग में। तो लाइब्रेरी से नीचे ही ये है पिंक पेटल, तो इसको पिंक पेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक शॉप है उसका नाम है पिंक पेटल, तो इस जगह का भी नाम पड़ गया फिर पिंक पेटल। यहाँ पे जितने भी आपको बाइंडिंग करवानी हो अपनी या फ़ोटो स्टेट वगैरह करवानी हो तो वो सब काम यहाँ पे इजी से हो जाते हैं। तो ये वो जगह है, खाना भी मिलता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे नई शॉप खुली है कामधेनु की, पहले यहाँ पे कुछ और हुआ करता था शायद, अब इतना तो पता नहीं, प्रिय नहीं, कामधेनु की शॉप खुली है यहाँ पे, जहाँ पे आप खाना खा सकते हो मज़े से, मिठाई खा सकते हो जो भी आपका मन करे। मिठाइयाँ भी रखी हुई अंदर, दिख रही है, हाँ दिख रही है, चलते हैं इसके पास। और इसके साथ ही कहाँ गई सरस, पता नहीं कहाँ चली गई। इसके साथ ही ये है हमारा, इधर है, अच्छा मैं तेरे को ढूंढ रही थी वहीं पे, तो घूम ले। और ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन, तो इसमें है हमारे, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेस वालों का इधर है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस वालों का है, हाँ और भी होगा दो तीन, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, हाँ दिख रहा है वो, तो वो है बंदर आ रहे थे, बंदर भी हैं। अरे यार मेरे को ना आज सुबह से बंदर ही बंदर मिल रहे हैं, जहाँ भी मैं जा रही बंदरों के बीच में घिरी होती, फिर मेरे को डर लगता है कि इन्होंने मारा ना हुई है। तो ये है यहाँ पे, इसका नाम है स्वामी विवेकानंद भवन, तो ये है वो, कुछ बच्चों के ना वो आते सेंटर आते हैं तो उनको पता नहीं होता कौन सी बिल्डिंग में है, कौन सी जगह, कौन सा भवन कहाँ है, तो इसलिए मैं सब आप सबको ये दिखा रही हूँ। और इसी के साथ ही इधर भी खाने पीने के लिए है एक शॉप, वहाँ पे मिलता है अच्छे से, तो इधर आप खा सकते हैं, नेस कैफ़े है वहाँ पे, तो वो है। और ये चेक पोस्ट नंबर 2 है, पहला पता नहीं शायद जहाँ से हम आए थे एंट्रिंग थी वही था, तो ये है। और सरस को मैंने आज थका दिया है, इसको लाई थी मैं व्लॉग शूट करने के लिए पर कैमरा मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, ऐसे बहुत कम आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं ही ले लेती हूँ। सर आप थक तो नहीं गए? बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा? इतना ज़्यादा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस लड़ी समझ से परे है, कुछ समझ भी आ जाती है बट कुछ समझ से परे है, इतना मैं बता दूँ
लोग ना अपने सुंदर सुंदर फोटोज क्लिक करवाना चाहते हैं तो वो इस जगह पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे सुंदर फोटोज हैं, क्योंकि बैकग्राउंड यहाँ का बहुत ही सुंदर है। तो ये है, तो यहाँ पे आप मज़े से फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और इसके साथ ही ये है हमारा यहाँ पे यहाँ पे ना हमारा सेकंड फ्लोर में हमारा ऑडिटोरियम भी है, बट यहाँ पे जो हमारे VC सर उनका ऑफिस यहाँ पे है, और इसी के सेकंड फ्लोर में हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है वो है, जहाँ पे मैक्सिमम जितने भी फंक्शंस होते हैं यूनिवर्सिटी के तो वो सभी यहीं होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं। एक तो लॉ वालों की पार्टी यहाँ पे होती है वो, और कुछ भी जैसे अभी जैसे सारे भी जितने बड़े बड़े फंक्शन होते हैं वो यहीं पे होते हैं। अभी भी जैसे क्या थे हमारे यार, हमारे सॉरी CMG आए थे, तो सब यहीं पे इसी ऑडिटोरियम में वो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। और यहाँ पे है इसी के साथ हमारा ICU डोल डिपार्टमेंट, ये है साथ में। हाँ, ये रहा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो ये सारा वही है, ये सब उसके पीछे भी है, उसके पीछे और इस बिल्डिंग के पीछे जो है यूनिवर्सिटी की बसेस खड़ी होती हैं, और जितने भी आप लोगों को लोगों के डिग्री से रिलेटेड काम होते, किसी का RLF ऐसा होता, कुछ होता तो एग्ज़ाम उसमें, तो सब यहीं पे होते हैं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, वो सारे काम यहीं पे होते हैं। और यहाँ पे अगेन SBI का ATM, और ना हमारी यूनिवर्सिटी में SBI बैंक भी है, लाइब्रेरी के साथ ही है वो, तो क्योंकि कुछ बच्चों का कुछ फंसा होता आई थिंक सो, मुझे अभी इतने अच्छे से याद नहीं, और अभी डिग्री लेनी होती किसी को अपनी CMC लेनी होती ना कुछ ऐसा करके, यार मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा अब, पर मतलब होता है कि क्योंकि फ़ीस लगती है किसी काम को करवाने के लिए, तो वहाँ पे वो फ़ीस सबमिट होती है, फिर वो वहीं है साथ में लाइब्रेरी के साथ ही नीचे। और ये था हमारा इतना सा यूनिवर्सिटी का टूर, आई होप सभी को पसंद आया होगा टूर हमारा, टूटा फूटा जो भी हमने किया। सर इस जगह को क्या बोलते, अगर कोई आना चाहे? लिखा है इधर हॉटस्पॉट लिखा हुआ है, फिर उस पर लिखा हुआ है अलग उस करके, यहाँ पे मैगी चाय तुम्हें चाउमिन जो भी खाना है। हाँ। ये हॉटस्पॉट इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे फ्री में हॉटस्पॉट मिलता होगा। ये देखो मेरी और सरस की अलग ही कहानी चली हुई है, रहने दे। और यहाँ पे सनसेट का व्यू काफ़ी अच्छा होता है, अभी तो नहीं हो रहा है, मैंने सोचा था शाम के समय में टाइम पे रिकॉर्ड करूँगी, बट कोई नहीं स्टिल अभी कर लेते, बड़ा अच्छा होता है, बट यहाँ पे अभी तो नहीं है इतना कुछ खास नहीं। बादल बादल दिख रहे हैं, हमारे पास बजट कम है इसलिए हम सस्ते में अपनी पार्टी कर रहे हैं, है ना सर पार्टी। तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी टाइम आ गया है सर उसको बाय बोलने का, मतलब सरस अपनी जगह जाएगी, मैं अपनी जगह जाऊंगी, तो सरस गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जाने से पहले पार्टी दे दी और जरूर। तो आज का हमारा व्लॉग जो था वो यूनिवर्सिटी टूर कम और हम दोनों की मस्ती ज़्यादा लग रहा है, वो लग रहा होगा आप सबको, कोई बात नहीं वो चलता रहेगा। सो व्लॉग को आज हम यही एंड करते हैं, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो यही एंड करते हैं, होप आप सभी को हम दोनों की मस्ती बहुत पसंद आई होगी, है ना सर, है ना। हाँ, अगर आपको हम दोनों की मस्ती पसंद आई होगी तो स्पेशली सरस का डांस, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ के साथ, तब तक बाय बाय।